और इस वक्त आपको बता दें कि टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर पर ईडी की टीम ने एक बार फिर छापेमारी की है। बता दें कि शेख शाहजहां के समर्थकों ने ईडी अधिकारियों पर हमला कर दिया था। बता दें कि ईडी के अधिकारियों पर करीब 19 दिन पहले छापेमारी करने आई टीम पर हमला किया गया था। सूत्रों के अनुसार ईडी अधिकारी ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 120 से अधिक कर्मियों के साथ पहुंचे। ईडी अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस और गवाहों के रूप में दो स्थानीय लोगों की उपस्थिति में संदेशखाली इलाके में शेख शाहजहां के आवास के दरवाजे तोड़े। ईडी सूत्रों ने कहा कि हम आज शेख शाहजहां के आवास की तलाशी ले रहे हैं, हम वहां के निवासियों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। उन्होंने बताया कि घर में प्रवेश करने के बाद ईडी अधिकारियों ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और तलाशी शुरू कर दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ईडी अधिकारियों ने शेख शाहजहां के आवास में कमरों, रसोई और दराजों की तलाशी ली। अलमारियों को तोड़कर खोला गया और तलाशी ली गई। इस बीच केंद्रीय बलों के साथ साथ बशीरहाट जिला पुलिस और स्थानीय नजात थाने की पुलिसकर्मी परिसर के बाहर और इमारत के दरवाजे पर पहरा देते हुए नजर आए।